हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाह दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों हम एवरी मंथ जो है एक स्पीडी करंट अफेयर्स की किताब लेकर आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट जितने भी वन लाइनर्स है एम सी क्यूज़ हैं सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं दोस्तों मंथली वाइज ये मैगजीन रिलीज़ की जाती है सो so, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमको आपको जो है पढ़ाया जाता है एवरी मंथ तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो टिल मार्च फर्स्ट टू तक है यानी अप्रैल दो से लेकर फर्स्ट मार्च टू तक आपको इसमें रहेगा ठीक यानी लेटेस्ट जो फेब के मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो कम्प्लीट रहेंगे और टिल मार्च फर्स्ट तक आपको रहेगा इसमें तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम एम पे ज़्यादा फोकस करेंगे आज ठीक है और उसके बाद मैं वन लाइनर्स पे भी वीडियो लेकर आऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एक अब हम लोगों ने जो है मेंबरशिप भी निकाला है दोस्तों जो भी स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन हो सकते हैं नॉमिनल फ़ीस है कोई ज़्यादा फीस नहीं है आजकल तो चालीस पचास रुपये ऐसे ही उठ जाते हैं दोस्तों राइट ये मंथली मेम्बरशिप की हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको डेली फिफ्टी रुपीज़ डेली फोर्टी रुपीज़ देना है नहीं तो Uh, की रिक्वेस्ट हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल के मेम्बरशिप को ज्वाइन हो जाइएगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आज हम जो है करंट अफेयर्स एम को कवर करने वाले हैं ठीक है इसमें आपको मोर देन 800 प्लस एम देखने को मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए मैं थोड़ा ऐसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे तो पहला क्वेश्चन है सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेजेस दोस्तों तो पहला ऐसा कौन सा कोर्ट है जो अपने सारे जजमेंट्स रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश कर रहा है तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों केरला कोर्ट इनकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो मलयालम होती है या देख लीजिए ठीक है सो हुज़ बिन अपॉइंटेड बाय द यूनिसेफ इंडिया एज इट्स नेशनल अम्बेसडर की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों आयुष्मान खुराना जी को रिसेंटली यूनिसेफ इंडिया वालों ने अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है हु हेज़ बिकम इंडिया ग्रैंड मास्टर इन चेस की बात करें मतलब अस्सी में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया विघनेश इनाटली हु इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड तो ये भी इम्पोर्टेंट है तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को मिला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन्विस्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज बिंग सेटअप ये हरियाणा में सेटअप किया जा रहा है यानी पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है हरियाणा में ओके सो वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट अग्री चार्टॉट अमा क्रुशई हैज़ बिन लॉन्च तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी उड़ीसा हैज़ बिकम द न्यू सी ई ओ ऑफ नीति आयोग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ओके सो नीति आयोग के नए सी ई ओ कौन बने हैं उनका नाम है ऑप्शन है बी वी आर सुब्रमण्यम याद रख लीजिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है क्या मुझे बता सकते हैं आप नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा विथ विच कंट्री has रशिया रिसेंटली ब्रोकन द ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट की बात करें तो ऑप्शन है अमेरिका गया विच फिल्म हैज़ बिन गिवेन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कश्मीर फाइल्स विच क्रिकेट टीम हैज़ वन द Ranji ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सौराष्ट्र हो गया हुज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ऑस्टिन बटलर ठीक है बाफ्टाव so, किसको मिला है बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर को हु हैज़ हैजिन अवार्डेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसको अपॉइंट किए गए ऑप्शन है एम वी सुचेंद्र कुमार जी को अपॉइंट किया गया हु हैज़ बिकम द न्यू सी ई ऑ ऑफ यूट्यूब दोस्तों यूट्यूब के नए सी ओ कौन बने हैं तो ऑप्शन डी हो गया नील मोहन इनका नाम है ठीक है नेक्स्ट है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हंड्रेड विकेट्स इन टी ट्वेंटी हंड्रेड विकेट्स लिए हैं उन्होंने टी ट्वेंटी में तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो गया दीप्ति शर्मा हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी अप्पा साहेब धर्माधिकारी रिसेंटली विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बिन अवार्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड के हैं हुज़ बिन बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर ए सेंचरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी होगा रोहित शर्मा दोस्तों यूनिवर्सिटी इंडिया के पहले ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन किया गया है ठीक है सो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट पहली बार कहाँ पे ओपन किया गया है ऑप्शन बी कश्मीर हो गया फ्रेंच प्लेयर राफाइल वराने हैज़ रिटायर फ्रॉम विच इंटरनेशनल गेम दोस्तों ऑप्शन सी हो गया दोस्तों दैट इज़ फुटबॉल ओके सो विच कंट्री एरन फिंच हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एरन फिंच जो कि बढ़िया प्लेयर है और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्कीम कॉल्ड लाडली बहना लाडली बहाना दैट इज ऑप्शन डी हो गया मध्य प्रदेश विच रेजिंग डे हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड ऑन फेब्रवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों फोर्टी सेवन ठीक है सो बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की बात करें आई ए एफ़ की तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया अमरप्रीत सिंह ठीक है विच टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी एंड हुज़ ओ वन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हज़ार तेईस में मेन सिंगल टाइटल किसका था तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है नोवाक डिजो ओके हु हैज़ वन द वमेन्स अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टाइटल की बात करें तो ऑप्शन सी इंडिया हो गया दोस्तों विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लजपत राई हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी एट जनवरी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी वन फिफ्टी एट ठीक है चलिए सो हु हैज़ बिकम द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर इन द ऑफ द ईयर अवार्ड एट आई सी सी अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉट शिवर इंग्लैंड के दोस्तों नेक्स्ट हु हैज़ वोन द मेल क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर अवार्ड एट आई सी सी अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बाबर आजम पाकिस्तान की ठीक विच क्रिकेटर विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों जापान एंड विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड हिज कैंडिडेचर फॉर यूएस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों विवेक रामास्वामी विच बिकम द फर्स्ट अमेरिकन सिटी टू बैन कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सी एटल ओके देख लीजिए हुज़ बिन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन बाई द सनराइजर हैदराबाद फॉर द आई पी एल अभी जो आई पी एल शुरू हो चुका है आई थिंक दो मैचेस हो चुके हैं राइट कल आर भी जीत गई थी और चेन्नई चेन्नई हार गई थी गुजरात टाइटल्स ने जीता था तो हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद के कैपिटल कोल है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आईड इन मार्क्रा इन विच स्टेट वॉज अ फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज ऑप्शन ए लद्दाख हो गया है ठीक है नेक्स्ट हु चूजन बाई द बी सी सी आई एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया टाटा ग्रुप इस साल भी जो है टाटा ग्रुप ही रहेगा लास्ट ईयर में आई थिंक टाटा ग्रुप ही था दो साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है ठीक है चलिए इंडियन रेलवे रिसेंटली कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज रूट्स इन विच स्टेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया उत्तर प्रदेश विच फिल्म वॉज चूजन एज फिल्म ऑफ दर एट दादा साहेब पाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया आर 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 ठीक है इनफैक्ट अभी आर 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 ने तो ऑस्कर भी जीत लिया है राइट सो हु हेज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप दोस्तों ऑप्शन ए हो गया इंडिया इन विच स्टेट वॉज अ इंडो उजगेबिस्तान बाइन नीलियन मिल्टी ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑर्गेनाइज तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन है उत्तराखंड एंड विच कंट्री हेज़ बिन अलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ सिक्सटी सेकंड सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया हो गया है ठीक है सो विथ होम डिड एआई सी टी लॉन्च द नेशनल लेवल हैकेत कवच टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वॉट इज द नेम ऑफ न्यू ए आई चैट बॉट रिलीज बाई यू ए यू आई डी ए आई रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी आधार मित्रा दोस्तों विच इंडियन टेक स्टार्टअप अनवील्ड सोलार पॉवर ड्रोन सूरज एट द एरो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शो की बात करें तो ऑप्शन भी गरुड़ा एरोस्पेस विच फिनटेक कंपनी लॉन्च फर्स्ट चैट टी ए आई चैट बॉट लेक्सी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया वेलासिटी ओके चलिए इन्वेस्टेड इट पी मोदी मोडी जल जन अभियान जल जन अभियान कौन से स्टेट में हमारे मोदी जी ने इनाग्रेट किया था तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज मेंटर ऑफ रॉयल चैलेंज बैंगलोर वुमेंस क्रिकेट टीम ओके तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि डब्ल्यू चला है वुमेंस प्रीमियर लीग ओके जो फाइनल मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन्स के बीच में हुआ था उन, उनके पास भी सेम टीम्स है सेम नाम है उनके पास भी तो फाइनल मैच जीता गया था हमारे मुंबई इंडियंस जी के द्वारा ओके राइट तो मुंबई इंडियंस ने जीता है मैच और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हैज़ बिन अपॉइंटेड एज मंडर ऑफ रॉयल चैलेंज बैंगलोर वुमेंस क्रिकेट टीम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सान एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये सानिया मिर्जा नहीं होना चाहिए गलत ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया है तो राइट आंसर इसका सानिया मिर्जा ही है दोस्तों पहले आई थिंक झुलन गोस्वामी जी को अपॉइंट किया गया था बाद में आ, इन्होंने जो है सानिया मिर्जा इसलिए मैं थोड़ा तो right right? so uh, the in, uh, कन्फ्यूज़ तो हो गया था तो ऑप्शन बी सानिया मिर्जा इज द राइट आंसर राइट चलिए सो विच इन विच कंट्री वज अ ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए फी जी विच स्टार्टअप एज मैन्युफैक्चर द स्वाम ड्रोन सिस्टम इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हु इज़ अ फर्स्ट फीमेल एस्ट्रेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया वो एज़ इन्वॉल्व्ड इन ए मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन भी रैना बरनवी हेल्थी माइंड हेल्थी होम इज़ इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्ट्री लॉन्च की गई थी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी बिलियन डॉलर्स हैज़ बीन अनाउंस बाई वर्ल्ड बैंक फॉर द अर्थ क्वेक अफेक्टेड टर्की क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टर्की में किस तरह से जो है अर्थक्वेक आया था और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे राइट सो हाउ मेनी बिलियन डॉलर अनाउंस किया था वर्ल्ड बैंक वालों ने ये भी इम्पॉर्टेट ऑप्शन सी वन पॉइंट सेवन एट बिलियन डॉलर दोस्तों ठीक है हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख की बात करें तो ऑप्शन डी बी डी मिश्रा एंड विच टीम बॉट इंडिया स्टार बैट्समैन स्मृति मंदना इन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी रॉयल चैलेंज बैंगलोर वॉट इज़ द नेम ऑफ द एरो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शो जो रिसेंटली फेब्रवरी के महीने में हुआ था यहाँ पे बैंगलोर में ही तो उसका थीम क्या था ये आपको पूछा जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रन वे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन विच यूनियन टेरेटरी है ऑप्शन हो गया जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली इसरो हैज इंस्टॉल हाउ मेनी सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट एस एस एल वी डी टू रॉकेट की बात करें कितने सैटेलाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं देन इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया थ्री इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया टेंथ डिजिटल पेमेंट उत्सव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री किसने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ अर्बन ट्वेंटी सिटी शरपास हैज़ बिन ऑर्गेनाइज अर्बन ट्वेंटी सिटी शर्पाज हैज बिन ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन सी हो गया अहमदाबाद द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस फिफ्थ डोज ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन टू ऑल सिटीजन एज एटीन ईयर्स एंड अबव की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विच ए आई पावर चैट बॉर्ड हैज़ बी लॉन्च बाई गूगल रिसेंटली यानी गूगल के द्वारा एक ए आई पावर चैट बॉर्ड को रिसेंटली लॉन्च किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बार्ड इसका नाम है दोस्तों बी ए आर डी बार्ड ठीक सो इन द वेक ऑफ रिसेंट इन रिस सीरिया वॉट इज अ नेम गिवन टू द ऑपरेशन बींग कैरिड आउट बाई इंडिया तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त हो गया ठीक हु हैज़ वोन द एडी बेस्ट अवार्ड्स टू थाउंड ट्वेंटी थ्री फॉर द सिक्स कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एन टी पी सी विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ग्रीन बॉन्ड्स किसने लॉन्च किया ऑप्शन है इंदौर म्यूंसिपल कॉरपोरेशन वालों ने लॉन्च किया विच म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया हैज वन द प्रेस्टिजियस ग्रामी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये भी रिसेंटली है कौन से सॉन्ग के लिए मिला था नाटू नाटू कौन सा मूवी था आर 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 और ऑप्शन है एम एम कीरावानी ठीक है विच कंट्री हैज़ बिकम द फुल मेम्बर ऑफ द इंटरनेशनल सोलार अलायंस रिसेंटली फुल मेंबर कौन बने हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेज़ील हुज़ लॉन्च द व्हाट्सअप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स दोस्तों ओके okay. सो so, किसने लॉन्च किया है बहुत ही चर्चा में था यह इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया था डीजी यात्रा फैसिलिटी विल भी इम्प्लीमेंटेड हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री डिजी यात्रा तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए फोर हो गया हुज़ साइन द इंटरनेशनल सोलार अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की बात करें तो ऑप्शन सी कॉन्गो हो गया विच इंडियन रेजलर हैज़ वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन जगरेब ओपन चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है अमन सरावत हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी शुभम गिल इज द राइट आंसर शुभम गिल ओके सो विच स्टेट्स टीम हैज़ वोन ऑल फोर गोल्ड मेडल्स इन वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग एंड कायाकिंग इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन भी हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश सो हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीस कैपिटल आउटले हैज हैजिन एलोकेटेड फॉर इंडियन रेलवेज इन द यूनियन बजट 2023 तो ऑप्शन डी हो गया 2.40 लाख करोड़ कितने दो लाख चालीस हजार लाख करोड़ है दोस्तों ओके टू पॉइंट फोर करोड़ सो हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस विल बी डेवलप अंडर द कंप्लीट टूरिज्म पैकेज तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फिफ्टी हैज पर बजेट टू थाउजेंड ट्वेंटी इज अ रिवाइज एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर आई की बात करें तो देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन डी हो गया सिक्सटीन डेज ठीक इन द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट कितना रखा है इन्होंने तो ऑप्शन है फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री लाख करोड़ रखा है सो वट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हेज पर ओल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ आई एम एफ की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिक्स पॉइंट वन परसेंट विथ स्टेट टैबले इंक्लूडेड इन द सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे परेड हैज बिन अवार द फर्स्ट प्राइज तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों उत्तराखंड विच बजट हैज बिन कॉल्ड द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल जी हाँ कौन से साल का बजट को पहला अमृतकाल इसको uh, कहा गया है तो ऑप्शन डी होगा 2023-24 इस साल का ठीक है चले विच स्टेट हैज़ अनाउंस मंथली अलावेंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ दोस्त नॉट महाराष्ट्र इट इज ए छत्तीसगढ़ सो इन विच सिटी वॉज द थर्ड नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका दैट इज ऑप्शन बी अहमदाबाद हो गया एंड वॉट हैज बिन रीनेम एज मोगल गार्डन एड राष्ट्रपति भवन की बात करें तो मोगल गार्डन को अभी क्या नाम रखा गया है तो ऑप्शन बी अमृत उड़ान अंडर अंडर नाइनटीन वुमेन्स क्रिकेट टीम वन दट फर्स्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप डिफीटिंग बा विच टीम इन द फाइनल की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी इंग्लैंड हो won 2023, तो गया विच टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन ए जर्मनी हो गया दोस्तों कौन है जर्मनी इन विच स्टेट वज अ फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी मध्य प्रदेश इंडिया साइंड एम ओ विथ विच कंट्री टू ब्रिंग ट्वेल्व चीतास टू इंडिया एनअली बारह चीतास हर एनअली लाने की बात एक हम लोगों ने एक एम ओ यू साइन किया था कौन से कंट्री के साथ तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ये हो गया साउथ अफ्रीका इन द बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हाउ मनी विजन्स हैव बीन टोल्ड फॉर अमृत काल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थ्री विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बी नॉमिनेटेडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू टैंक ऑफ ब्रिगेडर जनरल इन यू एस एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राजा जी चारी वॉट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरसनल इंट्रानेशनल कोविड नाइन्टीन वैक्सीन मतलब जो आपके नेशनल में जो आपके नोस में यूज दिया जाता है इस वैक्सीन को तो उसका नाम क्या रखा है वो पूछा है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनकोवैक ओके सो हुज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे ऑप्शन बी नरेश ललवानी यहाँ देख नरेश ललवानी हुज डेवलप द विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्ले लोड फॉर इसरो आदित्य एलवन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है हर साल वो आपको पूछ रहे हैं तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों फोर्थ फेफ को तो इंपॉर्टेंट है गूगल पे ट्रिब्यूट टू विच एक्ट्रेस ऑफ मल्याली मलयालम सिमा हर वन ट्वेंटी थ्रू ए डूडल ओके तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी पी के रोजी हैज बिन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमन पीएम ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्विटोरियल यूनिया की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन सी रोका बोटी इन विथ स्टेट डिट पीएम मोडी इनाग्रेट द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ए ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की बात करें ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका इन विथ स्टेट द मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हैज बिन ऑर्गेनाइज दोस्तों क्या है जी ट्वेंटी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बिन ऑर्गेइज्ड दैट इज ऑप्शन है जोधपुर हो गया विच इंडियन एथलीट हैज़ वोन द गोल्ड इन शॉर्टपुट इवेंट एट एशिया इंडोर एथलीट्स चैम्पियनशिप की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है तजेंद्र सिंह पाल सिंह टू ठीक है चलिए हुईंटेड एज अ न्यू एम डी एंड सी ओ ऑफ पी फाइजर इंडिया एम डी और सी ई रिसेंटली इंडिया के फाइजर इंडिया के कौन बने हैं तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी मीनाक्षी नियोतिया रिसेंटली तो यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस टू बैन द सेल ऑफ गैस एंड डीजिल कार्स फ्राम विच ईयर दोस्तों यह है करेक्ट आंसर ऑप्शन है फ्राम द ईयर टू थाउजेंड थर्टी फाइव इन द व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रोल विच कंट्री हज डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ठीक है न्यूजीलैंड वालों को एक किया था चलिए वेर वॉज द थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड रिस तो ऑप्शन सी हो गया इम्फॉल ऑन द ईव ऑफ सेवेंटी फोर रिपब्लिक डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सिक्स पदमा नाइन पद्म भूषण

ऑन हुज बोर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस इज सेलब्रेटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया सुभाष चंद्र बोस विच इंडियन फिल्म हैज़ बी नॉमिनेटेड इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी एट द ऑस्करस टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी द एलिफेंट विस्वर्स दोस्तों यहाँ देखिए ठीक है हाउ मेनी पर्सन हैव बिन अवॉर्डेड द प्रेजिडेंट फायर सर्विस मेडल ऑन रिपब्लिक डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया फोर्टी सेवन who has become the first Indian American to become the Lieutenant Governor of the U.S. state of Maryland uh, की बात करें तो इसका जो correct answer है that is option C Aruna Miller ठीक है which honor has been announced by the government of India to posthumously Mulayam Singh यादव popular known as Son of Earth इनका जो recently ध्यान थो गया तो उनको uh, government of India ने posthumously award दिया है तो कौन सा honor है दोस्तों so correct answer है that is एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन बी पद्म विभूषण दोस्तों ठीक है सो हु ओन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओ एस व सक्सेसफुल टेस्टेड एट विच आई आई टी इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी आई आई टी मड्रास विच लैंग्वेज पोएट नीलामणि फुकन हैज पास्ड अवे रिसेंटली सो कोसे लैंग्वेज के ये पोएट थे hmm. न द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन ए आसामज थे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्रिस हिपकिंस हैज हिपकिन इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी होगा दोस्तों न्यूजीलैंड एंड हु हु हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोल्लम केरला ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिए

Uh, की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इजिप्ट दोस्तों विच फाउंडेशन डे व सेलिब्रेट बाय द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रिसेंटली तो कौन सा फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है तो इसका जो सही जॉब है ऑप्शन भी हो गया एटीन हाउ मेनी टैबलेक्ट्स और डिस्प्लेड एट द सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे परेड कितने टैबलेक्ट्स को डिस्प्ले किया गया था ऑप्शन बी दोस्तों ट्वेंटी थ्री हाउ मेनी आईलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स ये ट्वेंटी वन याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी वन आइलैंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी हो गया पंकज कुमार सिंह विच कंट्री आर बोनी गैब्रियल हैज इलेक्टेड मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया अमेरिका वट द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस वेरी इंपॉर्टेंट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था नहीं रिसेंट रैंक पूछ रहा है ये तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन बी हो गया एटी फिफ्थ ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, सो पर्सन ऑफ इंडियन हैज बिकम द टेक्निकल चीफ ऑफ नासा दैट इज ऑप्शन सी ए सी चरणिया तो नेक्स्ट है आपको हु हैज बिकम द फर्स्ट इन बी आर ओ टू बी पोस्टेड इन फॉरिन असाइनमेंट्स की बात करें तो ऑप्शन बी कैप्टन सुरभि जाकमुला नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेल्थ जनवरी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंदा हु हैज़ वोन द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म ड्रामा एट एटी एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी फैबल मॉन्स दोस्तों ठीक है विच फीमेल क्रिकेटर हैज बिन अवर्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द डिसबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है एशली गार्डर ऑन विच डेट वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे ऑप्शन है टेंथ जनवरी हुज बिन गिवेन द बहरेन आई एस ए अवार्ड फॉर द ह्यूमन सर्विसेज की बात करें तो ऑप्शन बी नेपाली डॉक्टर संधुक रुइट विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव फुली डिजिटल बैंकिंग दोस्तों फुली डिजिटल बैंकिंग कहाँ पे ऑप्शन है केरला एंड विच इंडियन स्टेट हैज़ बिन अवार्डेड दूए हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड टू थाउजेंड्री फर जगह मिशन की बात करें तो ऑप्शन सी ओडिशा हो गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट हैज बिकम इंडिया फास्टेस्ट बॉलर रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उमरान मलिक एंड बिकम द फर्स्ट बी एक्टिवली डिप्लॉयड इन सियाचिन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया कैप्टन शिवा चौहान बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ अटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन डी दिनेश कुमार शुक्ला हाउ मेनी पीपुल वर गिवन द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ट्वेंटी सेवन इन्वेस्टेड इंडिया का पहला मोबाइल आई वी एफ लैब फॉर एनिमल्स हैज़ बीन स्टार्टेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया गुजरात विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम ट्वेंटी एट यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट यूरो करेंसीज ओके तो यूरो करेंसी किसने अडॉप्ट किया है अभी क्रोशिया ने एंड विथ विच कंपनी विच कंपनी हैज़ रिसेंट अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ इट्स गर्ल्स फॉर टेक्स टाइम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ये हो गया मास्टर कार्ड इंडिया का पहला थ्री एक्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल किया गया था टू बाय रिन्यू पावर कौन से स्टेट में इंस्टॉल किया गया था वो बताना है आपको तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटका हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेवेंटी एट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन है कस्तव चटर्जी हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बेंजामिन नेता है बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन से सिक्स विच कंट्री फेमस फुटबॉलर पेले हैज़ पासड अवे रिसेंटली तो ऑप्शन ये होगा दोस्तों ब्राज़ील के हैं एंड विच कंट्री सोशल एक्टिविटि एबिडा गोरा हेज़ बिन सेलेक्टेड फॉर फर्स्ट केयर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चूबा विच इंडियन हैज़ गॉट द सेकेंड रैंक ग्लोबल इन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी मुकेश अंबानी आफ्टर छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब विच स्टेट हैज रिसेंटली रिवाइव ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश इनविस सिटी वॉज अ फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज अंडर जी ट्वेंटी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी तिरुवंतापुरम ओके सो विच ब्रिटिश इंडियन हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंडन अवार्ड की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मनीष तिवारी एंड हुज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचरी दोस्तों इन वन इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब डबल सेंचरी स्कोर करने वाले कौन बने हैं पहले बैट्समैन तो ऑप्शन डी शुभम गिल विच कंट्री वाइस प्रेजिडेंट बदारू अलीजुफ पासड अवे इन इंडिया रिसेंटली आफ्टर ए इलेस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया दोस्तों गैम्बिया के हैं ये ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर हैज़ मेड द फर्स्ट बैच ऑफ ए के टू जीरो थ्री असोल्ट राइफल्स एट कोरबा ऑर्डीनेंस फैक्ट्री तो ये कोरबा ऑर्डीनेंस फैक्ट्री कौन से स्टेट में है आ, ये आपको बताना है दोस्तों तो करेट आंसर इसका ऑप्शन है, है उत्तर प्रदेश हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बिन ऑनर्ड विद द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी कृष्णा विडला एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीव रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली जो रिलीज़ की गई थी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच कंट्री विल इशू अ पोस्ट टैम विद पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन फर्स्ट पी एम जवाहरलाल नेहरू ऑन सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे तो ऑप्शन डी हो गया श्रीलंका व्हाट इज अ थीम ऑफ द 2023 थाउजेंड मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ऑप्शन बी कोऑपरेशन इन फैगमेंटेड वर्ल्ड वरुण बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑप्शन सी फ्रांस विच कंपनी अक्वायर द मीडिया राइट्स ऑफ वुमन आई पी में जो हुआ था तो कौन से कंपनी ने इसके राइट्स को अक्वायर किए थे वाया कॉम दोस्तों इन्वेस्टेड इज द विदिशा द फर्स्ट एस्पिरी डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट सिक्स जी टेक्नोलॉजी लोकेटेड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ बिन रीसेंटली पार्टनर्ड विद गरुड़ा एरोस्पेस अंडर किशन पुष्पक योजना तो ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विच फिल्म वन द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों आर 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 विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द सेवनटीन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम विच कंट्री फेमस सिंगर लीसा मैरे प्रेसली पासड अवे रीसेंटली तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन डी यू एस ए हो गया ठीक है चलिए सो पी एम मोदी फ्लैग ऑफ द रिवर क्रूज एम वी गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी जिसकी जर्नी कहाँ पर एंड होने वाली है ये आपको डिब्रूगढ़ में एंड होने वाली है यूनिवर्सिटी विल टाटा पावर रिन्यूएबल सेटअप द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मुंबई हो गया दोस्तों ठीक है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोमिक प्रॉस्ट्स रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वॉट इज़ अ एक्सपेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर की बात करें तो ऑप्शन भी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट इज अ मेजर स्कीम ऑफ विच स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी केरला हो गया राइट सो इंडिया का पहला फाइव जी एनेबल ड्रोन हैज़ बिन डेवलप बाय द टेक स्टार्टअप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया आई जी ड्रोन्स यूनियन मिनिस्ट्री सर्बानंदा सोनोवाल एज इनागरेटेड द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर वे एंड कम्युनिकेशन कौन सी सिटी में लॉन्च किया था तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों अगरटला इन्वेस्टेट और कुमारकुम एंड बाईपोर सिलेक्टेड अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी केरला दोस्तों रिसेंटली द सॉन्ग नाट नॉट फ्रॉम द फ्लिप आरआरआर हैज रिसीव द गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड हु इज़ अ डायरेक्टर ऑफ आरआरआर की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया आसास् एस एस अकॉर्डिंग टू द सी रिपोर्ट विच वॉज द मोस्ट पॉलिटेड सिटी इन इंडिया इन द ईयर टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डेली हो गया यूनिवर्सिटी द ऑल इंडिया ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था

बाई विच सिटी सेवेंटी फिफ्थ आर्मी डे वॉज ऑर्गेनाइज ऑन फिफ्टींथ जनवरी की बात करें तो ऑप्शन सी बेंगलुरु दोस्तों सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनागरेटेड द नेशनल जिनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कौन से स्टेट में तो ये पंजाब में था हुन द बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल की बात करें तो ऑप्शन सी एस एस राजौली इनवे सिटी वॉज द फिफ्थ सेवनटीन प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज दैट इज ऑप्शन है इंदौर वेयर हैज़ द बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बिन इनागरेटेड रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी जम्मू कश्मीर विथ इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वोन द प्रेटिजियस अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों अनहत सिंह रिसेंटली आर बी आई हज अनाउंस टू इशू सॉवर ग्रीन बॉन्ड वोर्थ हाउ मेनी करोड्स तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है सिक्सटीन थाउजेंड करोड्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सी एम आई रिपोर्ट विथ स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाइस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों हरियाणा विच कंट्री पोखरा रिपोर्ट हैड ए मेजर एक्सीडेंट पोखरा रिपोर्ट कहाँ एयरपोर्ट कहाँ पे है वो ऑप्शन सी नेपाल पे है द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्रीज़ मोहम्मद इरफान अली हुज़ बिन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दट इज़ ऑप्शन है यूनिया इन विच स्टेट हैज़ अ मुख्यमंत्री हवास भूमि अधिकार योजना हैज बिन लॉन्च रिसेंटली तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश विच प्लेयर हैज़ रीसेंटली वोन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिड्स चेस टाइटल किसने जीता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैगनस कार्लसन वेट इट पी एम मोडी इनागरेट दन नॉट एट इंडियन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ऑप्शन सी होगा नागपुर हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ स्टेट आईकॉन ऑफ बिहार बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट अवेरनेस अमॉन्ग वोटर्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर दोस्तों मैथिली ठाकुर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगल इज एसोसिएटेड विथ विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली उन्होंने एक नया फुटबॉल क्लब साइन किया है ऑप्शन है अल नसार विच इंडियन प्लेयर हैज बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर आईसी मीन टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की बात करें तो ऑप्शन तो तो ए सूर्य कुमार यादव विच इंडियन इंस्टीट्यूट एज सेक्रेटरीट ऑफ जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रुप तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आई एस सी बेंगलुर दक्ष इज ए पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल रन बाय बाच ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों तो ये ऑप्शन डी हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन विच सिटी वॉज अ जी ट्वेंटी डिजिटल इनोवेशन अलायंस समिट ऑर्गेनाइज देन द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु हाउ मनी मेगा वॉट ऑफ मार्क दी हू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैज बीन हैंडेड ओवर बाई इंडिया टू भूटान डक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑप्शन है सेवन ट्वेंटी मेगावॉट इन विस सिटी इंडियन आर्मी इनगरेट द फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड हाउस दोस्तों अहमदाबाद नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम इज इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वॉट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अनाउंस अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट कैंपेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो ऑप्शन बी अमृतधरा स्टेशन स्कीम ठीक है चलिए सो विच रिसेंटली रिलीज ए स्पेशल स्टैम्प टू मार्क द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया सर्बिया सो विथ होम एन टी पी सी आर साइंड एन एम वो यू फॉर द रीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन मेथनॉल की बात करें तो ऑप्शन हो गया दोस्तों टेक्नोमॉन्ट ग्रुप हु हैज हैजॉप द मेडलियन आर्चरी एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों इंडिया हु हैज बिन गिवन द थर्टीथ एकलव्य पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी स्वास्थ्य सिंह रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सी ऑफ रेलवे बोर्ड की बात करें तो ऑप्शन भी अनिल कुमार लहोती एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी संतोष कुमार यादव ऑन हुज़ बर्थडे गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर ऑल ओवर इंडिया तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग एन आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें तो ऑप्शन बी आई कानपुर सितविनी रबुका हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दोस्तों तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए फीजी हु हैज स्टॉप द फीफा ओल्ड रैंकिंग 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन सी ब्राज़ील हो गया दोस्तों ठीक है हु हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आई पी एल बाई गेटिंग एटीन पॉइंट फाइव जीरो करोड्स तो ऑप्शन सी सैम क्यूरन इंग्लैंड के क्लियर चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकाडमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज इन 2022 तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी होगा बस बद्री नारायण विच क्रिकेट टीम हैज़ द है टाइटल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान सॉरी इंडिया नॉट पाकिस्तान इट्स इंडिया विच कंट्री करीम बनजीमा हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करें तो ये फ्रांस से रिटायर हुए हैंज बिन सेलेक्टेड एज पेटा इंडियन पर्सन ऑफ दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है शोनाक्षी सिन्हा विच फुटबॉल टीम हैज़ वोन द फीफा वर्ल्ड कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू टाइटिल जो रिसेंटली हुआ था अर्जेंटीना ने जीता है विच इंडियन ब्यूटी हैज़ वोन मिस ओल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कॉन्टेस्ट तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सरगम कौशल द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री विच फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इम्पोज ए लाइफ टाइम बैन ऑन यूथ स्मोकिंग की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड

एंड विच क्रिकेट टीम हैज़ वोन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सौराष्ट्र विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंकड अमॉन्ग द टॉप टेन ओल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप बाई यूनाइटेड नेशन तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी नमामी गंगे विच एयरलाइंस हैज़ रिसेंटली वोन सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड फ्राम जी एम आर डेली एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन है स्पाइस जेट रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड अनादर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ बेलेटिको वॉट इज इट्स फायर पॉवर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी फाइव थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स हुज बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ़ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह विच फाउंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट डिसंबर तो ऑप्शन सी फिफ्टी एट्थ फाउंडेशन डे दोस्तों ठीक है सो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन सी पी टी ऊषा एंड विच कंट्री टेनिस टीम हैज़ वन द डेविस कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल की बात करें तो ऑप्शन डी कैनेडा दोस्तों अनवर इब्राहिम हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एशियन कंट्री तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया रिसेंटली दूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च दोग ऑफ फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन विच स्टेट विल दिस गेम ऑर्गेनाइज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में पूछा जा रहा है इस साल कहाँ पर हो रहे हैं मध्य प्रदेश विच ऑर्गेनाइजन रिसेंटली सेटअप है सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन की बात करें तो ऑप्शन बी right तो सी बी आई सी विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द राइट टू रिपेयर पोर्टल दोस्तों तो ऑप्शन सी होगा पीयूष गोयल आफ्टर होम एज ए इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नेम्ड ए स्टार तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी हुज़ बिन सोन इन एज द पी एम ऑफ नेपाल रिसेंटली तो ऑप्शन सी पुष्प कमल दाहल प्रचंडा क्लियर चलिए सो विच फ्रेंच फुटबॉलर हैज़ अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल ऑन इज थर्टी फिफ्थ बर्थडे की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों करीम बंजीमा विथ स्टेट यूनिटीज हाइस्ट स्कोर अंडर द रीसेंटली रिलीज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन है पुडुचेरी वॉट इज नेम ऑफ फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन इंडक्टेड इंटू द इंडियन नेवी तो करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन से आई एन एस वकीर विद स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव अप्रूव द वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश विच इंडियन रेजलर हैज़ बी नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेजलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लास्ट पंगल दोस्तों यहाँ देख लीजिए विच स्टेट हैज रिसेंटली गिवेन इंडस्ट्री स्टेटस टूट्स टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो ऑप्शन बी असाम हो गया द संग ना टू ना टू फ्राम द ब्लॉक बॉस्टर फिल्म आर एर आर हैज़ बिकम शॉर्टलिस्ट फॉर ऑस्कर एक कंपोजर कौन थे इसके ऑप्शन बी एम एम कीरावानी ठीक है बट इन्होंने ऑस्कर भी जीता है नॉमिनेट भी हुआ है और जीता भी है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हज बी नॉमिनेट इन द डॉकूमेंट्री शॉट फिल्म कैटेगरी एलिफेंट विस्फवर ए भी जीता है ऑस्कर विच एथलीट हैज बी नॉमिनेटेड टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है पी टी ऊषा वट इज अम ऑफ फर्स्ट शिप ऑफ द एंटी सबमेरिन वॉरफेर शाल वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च बाई इंडियन नेवी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन हुआ आई एन एस अमला रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया इज लॉन्च ए कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड तो इसका नाम क्या है ये पूछा गया है ऑप्शन है कल्याणी फॉरेस्ट है दोस्तों चलिए सो विच इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट ए ग्रेड बाई एन ए ए सी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच अवार्ड हैज़ बिन ओन बाय द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 तो ऑप्शन है प्लैटिनम आइकॉन विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स की बात करें तो ऑप्शन डी इंडिया हो गया दोस्तों सो वेयर विल फर्स्ट मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस ट्रैक एजेंडा अंडर जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी बी हेल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए हो गया बेंगलुर सो वेन इज़ द फर्स्ट पेमेंट गेट वे इन इंडिया टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स इन यू पी आई की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया रेजर पे विच ऑर्गनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों that is option B, World Bank. Who has topped the Forbes 2022 list of 100 most powerful women in the world? The correct answer is option D, Ursula von der Leyen. Which city of India has been selected to host the under 20 cycle under the presidency of G20 of India? The option is Ahmedabad. What is the name of P-15B stealth guided missile destroyer inducted into Indian Navy? So option is INS Murmugao. And who has been honored with a Golden Ball Award in the FIFA World Cup 2022? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी लयानिल दोस्तों यूनिवर्सिटी द नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च हैज़ बीन इनाग्रेटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेस काज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेनाइज बाई आर्मीज ऑफ इंडिया इन कजाकिस्तान तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी मेघालय हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ बी बी स्पोर्ट्स पर्सनलिटी ऑफ द ईयर की बात करें तो ऑप्शन है बेथ मियाद इनविच स्टेट यूनिटिटी ऑफ इंडिया इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व हैज बिन इस्टेब्लिश तो ऑप्शन बी लद्दाख हो गया विच कंट्री हैज़ बिन थ्रोन आउट ऑफ यू एन वूमेन ग्रुप की बात करें तो ऑप्शन डी ईरान हो गया दोस्तों हु हुज़ बिन सेलेक्टेड नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ ऑप्शन सी डॉक्टर जेरेमी फरार सो बाई द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब हैज बिन स्टार्टेड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है जी सेवन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों मारुति सुजुकी विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल टू स्कोर द फास्टेस्ट टू हंड्रेड रन इन द ओ डी आई इनिंग्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ईशान किशन हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो ऑप्शन सी हो गया मीराबाई चानू विच प्लेयर हैज़ बिन अवॉर्डेड द आई सी सी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी जॉस बटलर विच प्लेयर हैज़ बिन अवॉर्डेड द आई सी सी वोमेस प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन्स की बात करें फॉर द नवंबर मंथ तो किसको ये दिया गया था वो इंपॉर्टेंट है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी सिद्रा अमीन पाकिस्तान के विथ विच कंट्री इंडिया साइन ए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की बात करें तो ऑप्शन ए फिनलैंड हो गया विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन ऑप्शन डी तमिलनाडु हो गया दोस्तों ठीक है चलिए सो विच प्लेयर हैज़ वोन द गोल्डन गोल्ड इन उमेन एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिव्या टी एस जी ने जीता है आफ्टर होम इज अ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन गोवा नेम्ड किसके नाम पे रखा गया है ऑप्शन में नीलेश कब्राल के नाम पे रखा गया हु हैज़ बिकम द एटींथ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिसेंटली एटीनथ चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं भूपेंद्र पटेल जी बने हैं ठीक है लीजिए विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट अरब मेड लूनार स्पेस क्राफ्ट तो ऑप्शन सी यू ने लॉन्च किया है विच ओर्ड हैज़ वोन द ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर टू दोस्तों तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन सी गॉबलिन मोड

what is the rank of india in the world's strongest password list in 2022, published by Ayrton Capital? capital, option b, 87 so, whereas the 9th world ayurveda congress and expo 2022 has been inaugurated, to option c, is goa, and who has won the silver medal in weightlifting world championship 2022 held in colombia, option d, Mirabai channel. so, world bank will provide financial assistance of $250 million to which country for environmental management, ऑप्शन बी बांग्लादेश विच वालकोन एरप्टेड इन इंडोनेशिया ऑन फोर्थ दिसंबर में अरेप्ट हुआ था दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन बी माउंट समेरू लीजिए माउंट समेरू इंडिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ए टी एम हैज बिन सेटअप इन विच सिटी रियल टाइम गोल्ड ए टी एम कौन से सिटी में इसको रखा गया है ऑप्शन सी हैदराबाद सो वेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया दोस्तों ऑप्शन बी फोर्थ दिसंबर विच डबल पेयर हैज हैजन द मिक्स टीम पिस्टल टाइटल इन नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी मानु भाकिरण सरपजोत द फर्स्ट जी ट्वेंटी शर्पा मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हैज़ बिन ऑर्गेनाइज इन विद सिटी तो ऑप्शन बी हो गया उदयपुर एंड वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग की बात करें तो ऑप्शन बी फोर्टी एट वेन इज ओल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ये फर्स्ट दिसंबर को मनाया जाता है इन विच स्टेट वॉज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन बी नागालैंड दोस्तों विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नाई चेटना अभियान तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ठीक है इन विच कंट्री साइंटिस्ट हैव रिवाइड फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इयर्स ओल्ड जॉम्बी वायरस बरीड इन आइस तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रशिया हो गया ठीक है सो हु इज टू सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मैंस वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैटरीना मंजू सो हु हैज़ नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा एंड इनिशिएटिव अंडर द प्राइम मिनिस्टर टी बी फ्री इंडिया कैंपेन की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दीपा मलिक सो विच एयरलाइन विल बी मर्च विद टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय मार्च 2024 की बात करें तो ऑप्शन डी विस्तारा हो गया दोस्तों ठीक है सो विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल कोविड वैक्सीन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत बायोटेक ठीक है चलिए सो व्हाट इज द थीम ऑफ द सेवेंथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट उसकी थीम क्या है ये आपको uh, पूछा गया है तो ऑप्शन है जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो फाइव जी सर्विसज इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्स की बात करें तो ऑप्शन भी गुजरात ओके द प्रेजेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन इन्वाइटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेलब्रेशन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इजिप्ट होगा इन विच सिटी विल एयरो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बी हेल्ड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी बाय स्काई रूट की बात करें ऑप्शन बी तेलंगाना विच इंडियन जुआलॉजिस्ट हज रिशेंटली रिव यूनिक चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन रीसेंटली विच वोट हैज बीन चूजन बे द कैब्रिज डिस्टरी अवार्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी होमर हो गया एंड विच स्टार फुटबॉलर हैज लिफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंटली दोस्तों मैचेस्टर यूनाइटेड रीसेंटली कौन रिसली लिफ्ट कर दिया ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन डी रवि कुमार सागर व्हाट इज अ रैंक ऑफ इंडियन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी सिक्सटी फर्स्ट विच कंट्री पार्लियामेंट हेज़ पास्ड ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इन विच स्टेट वॉज अ इंटीग्रेटेड फायर फॉर एक्सैस सत्रनाश ऑर्गेनाइज बाई इंडियन आर्मी रिसेंटली तो ऑप्शन ए राजस्थान हो गया इन विच कंट्री वॉज अ सरंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल रीसेंटली ऑर्गेनाइज बाई इंडियन एम्बेसी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी सिंगापुर हो गया रिसेंटली वाट इज अ रैंक ऑफ इंडिया न क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की बात करें तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी एट दोस्तों कितना एट ओके सो हाउ मेनी प्लेर्यर्य हैव बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी ट्वेंटी फाइव वट इज द थीम ऑफ ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस की बात करें ई गवर्नेंस की तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है ब्रिंगिंग सिटीजन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर सो हुज़ बिन ऑनर्ड विद जे सी बी प्राइज़ फॉर लिटरेचर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी खालिद जवीद सो वेन इज द वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड तो ऑप्शन सी ऑन फोर्टीन नवम्बर विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली ओन द आई सी सी मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टाइटल की बात करें तो ऑप्शन डी इंग्लैंड हो गया एंड हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेसिज सुमित्रा चरत राम अवॉर्ड की बात करें तो ऑप्शन डी उमा शर्मा हैज बिन ऑन ज प्रिपेयर द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मैरी थर्प एंड हैज़ बिक नेम्ड एज अ इंडियन फिल्म पसनलिटी ऑफ द ईयर एट आई डब्ल एफ आई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है चिरंजीवी हैज़ रिसेंटली बिन ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन बी हो गया लामा विच टू राइटर्स है थर्टी फर्स्ट एंड थर्टी सेकंड बिहारी पुरस्कार दोस्तों सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया मधु माधव फ्रॉम विच कंट्री इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ऑप्शन सी फ्रांस हुन दू था करें तो ऑप्शन भी हो गया नवाक जूकोिक विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अग्रीड टू से बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन इंडियन आर्मी तो इसका सही जॉब है ऑप्शन डी लॉन्स लैंस नाइक मजनू विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मुंबई सो वेन इज अटरनेशनल स्टूडेंट्स डे सेब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों तो ऑप्शन सी हो गया सेवनटीन्थ नवंबर एंड हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी एलेक्टेड टू द एथलिक कमीशन ऑफ आई डबल टी एफ की बात करें तो ऑप्शन बी कमाल

इंडिया होस्टेड द लीड आई टी समिट विध विच कंट्री ऑन साइड लाइन ऑफ सी ओ पी ट्वेंटी सेवन इन इजिप्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी स्वीडन सिटी द फर्स्टिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस इज बींग ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन बी अबूधाबी मून रॉकेट अर्थमिसन है जो सही जॉब है दैट इज ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेम्बर ऑफ नीति आयोग दोस्तों तो ऑप्शन सी होगा अरविंद विरमानी विथ स्टेट हेज इम्प्लीमेंटेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट की बात करें तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विजरलैंड टूरिज्म की बात करें तो ऑप्शन डी नीरज छोपड़ा दोस्तों ठीक है सो वेन इज अ फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड सेलिब्रेटेड तो ऑप्शन बी फिफ्टीथ नवंबर एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एस्टिट्स वॉट इज अ ग्लोबल पॉपुलेशन बाई नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों एट बिलियन ठीक है सो वेन इज अ नेशनल प्रेस डे सेबरेटेड एवरी ईयर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन में सिक्सटीन नवंबर हु हैज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन डी मैरी कॉम हु विल बी गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन डी शरद कमल अचंटा हु विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैरलो सौरा एंड हु हैज बीन नेम्ड एज अ प्लेयर ऑफ द टोर्नमेंट इन आईसीसी मेंस मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी सैम क्यू रिंदोस्तान सो विच ग्रुप हैज लॉन्च वन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर फंड टू टैकल द नेक्स्ट ग्लोबल पैंडमिक तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी जी बीन अवार्डेड एज अ रॉयल ऑफ मेरिट फॉर ब्रिटेन फॉर इस डिस्टिंग्विश सर्विस इन साइंस में इनको दिया गया है अवार्ड है ऑप्शन सी वेंक रामाकृष्णन हु हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट मल्टी लॉजिस्टिक पार्क सही आंसर है इसका ऑप्शन है reliance industry विच कंट्रीज बिन रिमूड बाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्राम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की बात करें दैट इज़ ऑप्शन डी होगा दोस्तों इंडिया वट इज़ अ नेम ऑफ इंडिया इज फर्स्ट डिपॉजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा की बात करें तो ऑप्शन सी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यूनिवर्सिटी हैज़ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ साउथ इंडिया हेज़ बिन फ्लैग्ड ऑफ ऑप्शन बी बेंगलुरु विच कंट्री विल होज द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन ए इंडिया हो गया दोस्तों विथ शिपिया कंपनी विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमरन वेजल की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया कोचिन शिपियाड हुज़ बिन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ स्लोवनिया की बात करें तो ऑप्शन सी नतासा पिर्क न्यूसर विच कंट्री विल हॉजर नाइनटीन मैंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑप्शन ए श्रीलंका एंड विच स्टेट हैज सेलब्रेटेड मिलट डे ऑन नवंबर टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू प्रमोट द कल्टिवेशन एंड कंज्शन ऑफ कॉप तो ऑप्शन डी हो गया उड़ीसा सो हुज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन सी किशोर बासा इनका नाम है रिसेंटली वो हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी विच एयर स्पेस कंपनी विल लॉन्च इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट की बात करें तो ऑप्शन डी स्काई रूट एयर स्पेस इन्वेस्टेट ए बिल हैज हैजिन पास टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर पूर बैकवर्ड क्लासेस टू सेवेंटी सेवन परसेंट तो ऑप्शन सी झारखंड Who has been inducted into ICC Hall of Fame 2022? So, correct answer option C Shiv Narayan Chandrapol. Which state has approved a proposal to involve retired army veterans for training of state police personnel? So, option B Assam Aruna Miller has become the first Indian American to hold the post of Lieutenant Governor of which US state? Option A Maryland, which is the only Indian company to feature in the top 100 in the FOP's top world top employers ranking 2022. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री इसरो इज प्लानिंग टू एक्सप्लोर द शेडो साइड ऑफ मून इन कोलाबोशन विद विच कंट्री तो ऑप्शन बी जापान हो गया दोस्तों विच वर्ड हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ वर्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाई डिक्शनरी की बात करें तो ऑप्शन सी परमा क्राइसिस विच कंट्री हैज़ ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ऑप्शन डी स्विटरलैंड इंडिया एटेक मेजर बाइजूस हैज अपॉइंटेड होम एज अ ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव

तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों ओलाफ स्कॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच पार्लियामेंट्री फोर्स टू वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन प्रमोटेड द रैंक ऑफ आईजी तो ऑप्शन है सीआरपीएफ दोस्तों सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च लैब मॉडल मैंग फॉर इट्स स्पेस स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन डी चाइना हो गया विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज रिसेंटली अनाउंस फी फॉर वेरीफाइड अकाउंट्स की बात करें तो ऑप्शन है ट्विटर सो हु हैज बीन अवार्डेड द कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्ट मोस्टली तो ऑप्शन डी हो गया पुनीत राजकुमार को दिया गया विद स्टेट हैज़ अनाउंस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा एंड हु हैज अवार्डेड द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर बाई बांग्लादेश की बात करें तो ऑप्शन है एडवर्ड एम कैनेडी इंडिया का पहला एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन विथ स्टेट तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश तो इन विद स्टेट द फर्स्ट डेटा सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज़ बिन सेटअप तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश who has been appointed as the captain of indian team for upcoming t20 series in new zealand की बात करें तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द इंडियास फर्स्ट रिस्पांसिबल स्टील सर्टिफिकेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए टाटा स्टील टीपी राजिवन who passed away on 2nd november was famous in which field तो ये आपको राइटिंग में फेमस थे दोस्तों विच इंडियन क्रिकेट नंबर वन टी ट्वेंटी बैट्समैन इन द वर्ल्ड तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव वट इज द थीम ऑफ दिसवेंथ इंडिया वाटर वीक का थीम क्या है यह आपको पूछा गया है तो ऑप्शन सी हो गया वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी नेशनल इंटीग्रेशन डे सेब्रेट इन इंडिया ऑन देशन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी तो करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल हु हैजन द फीफा अंडर सेवेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया स्पेन इंडिया का पहला फ्लोट इन फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हैज है तो इसका जो सही जवाब है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विच इंडियन पेयर हैजन द फ्रेंच ओपन मेन्स डबल टाइटल इन बैडमिंटन तो ऑप्शन सी सत्विक सायराज रानी आर रेड्डी और चिराग शेट्टी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट बाय विच ईयर विल ग्लोबल एमिशन टू बी एट दर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो ऑप्शन डी 2025 इन ट्वेंटी स्टेट ऑफ इंडिया द ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज बीन लॉन्च ऑप्शन बी हरियाणा विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन डिक्केर एज द्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट याद रख लीजिए दुनिया में टेंथ बिजिएस्ट एयरपोर्ट उसको डिक्लेयर किया है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली

तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात विच कंट्री हैज रिसेंटली पास द प्लेन लैंग्वेज एक्ट तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड दोस्तों हु हैज़ अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम फॉर एफ आई एच प्रो लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन है हरमनप्रीत सिंह विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली रीसेंटली टेकन ओवर बाई टेस्ला चीफ एलॉन मस्क की बात करें तो ऑप्शन है ट्विटर हु हैज बिन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन भी सी वी आनंद भोस जी को अपॉइंट किया गया है ज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड तो ऑप्शन से युवराज सिंह हो गया दोस्तों इंडियन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है ऋषि सोनक जी इनका नाम है ठीक है चलिए रिसेंटली यूएलपियन कंट्री ऑप्शन है स्वीडन टॉप इन रिसे हरून इंडिया ऑफ डोनर फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन भी शिव नदर इनका नाम है विच कंट्रीज बिन रिसेंटली लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज बाई एफ ए टी एफ ने एड uh, किया है तो ऑप्शन सी म्यांमार हो गया वो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेजलर टू विन गोल्ड मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी अमन शराव विच कंट्री हैज बिन इंक्लूडेड इन द टॉप ट्वेल्व चेस प्लेइंग नेशन फॉर मेन्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्ल्ड टीम चेस चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन डी इंडिया हाउ मनी सैटलुट इंटू ऑर्बिट बाई इसरोवीएस्ट रॉकेट एल वी एम थ्री एम टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी थर्टी सिक्स रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ तरुण बजाज तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है संजय मल्होत्रा सो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बी की बात करें सो बी के जो प्रेजिडेंट बने हैं वो ऑप्शन सी हो गया रॉजर बिन्नी जस्टिस जी वाई चंद्रच्यूत हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन बी फिफ्टी एथ ज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यू एस एम्बेसडर टू इंडिया की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है एलिजाबेथ जॉन्स विच स्टेट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश रिसेंटली विच मेल फुटबॉलर हैज रिसीव द बैलन डी और अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी करीम इनका नाम है दोस्तों ठीक है सो इन विच ईयर इज इसरो प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान थ्री को इस साल में लॉन्च करने की बात की जा रही है इसी साल दो हज़ार तेईस में इन विच स्टेट विदिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बी ऑर्गेनाइज्ड तो ऑप्शन बी हो गया मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेशनल पॉवर्टी इंडक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कंट्री हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ पोर पीपल इन द वर्ल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑप्शन डी इंडिया सो विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज डिक्लेयर है पब्लिक स्कूल हॉलीडे

तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर इंडिया के हैं एंड रिसेंटली विच मेल क्रिकेटर हैज़ हैज़बिन अवार्डेड द आई प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द सेप्टेबर टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के सो हाउ मेनी पीपल हैव रिसिव द नोबल प्राइज़ फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी थ्री इनवेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च मिशन लाइफ की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुजरात है लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज इनागरेटेड इन विट स्टेट ऑप्शन बी पंजाब हु हैज एज अ न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए अरमानी गिरिधर द ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर द पब्लिक हैज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री दोस्तों ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स डे सेलिब्रेटेड बाई इंडियन एयरफोर्स अक्टोबर एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइनटी एथिये

वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें ऑप्शन ए साजन भनवाला वट इज़ द नेम ऑफ द यूनिफाइड पेंशनर्स पोर्टल फॉर पेंशनर्स लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑप्शन डी फ्यूचर दोस्तों इन द द्लीनेस सर्वे ऑफ द ईयर हैज बिकम द द्लीस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द दिक्कस टाइम इन ए रो तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इंदौर हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो ऑप्शन है सुजय लाल थियोसन हैज रिसीव द नोबल प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन

अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिया इन विच इंडियन लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्च एम बी बी एस कोर्स बुक्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया गया था वो हिंदी में किया गया था इम्पॉर्टेंट है ऑन विच रूट वंदे भारत बेस्ड फ्लाइट सर्विस इज बिंग स्टार्टेड फ्लाइट सर्विस किसमें स्टार्ट किया था दिल्ली मुंबई द ऑब्जेक्ट ऑफ पी एम डिवाइन स्कीम इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया दो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विथ विच कंट्री इंडिया हेज़ एक्सटेंडेड वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम टिल द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच कंपनी डेवलप इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रेक की बात करें ऑप्शन डी हिंदाल को है दोस्तों विच कंट्री होस्टेड द नाइनटीथ इंटरपोल जनरल असम्बली ऑप्शन भी इंडिया हो गया ठीक है चलिए वैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी वन नॉट सेवन इन विच आई आई टी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च परम कामरुप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी ऑप्शन डी आई आई टी गुवाहाटी पी एम नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट ऑप्शन सी हो गया हिमाचल प्रदेश इन विच कंट्री वॉज द सिक्स समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया कंडक्ट करवाया गया था करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कजाकिस्तान

चलिए पी ए ट्राइब्यूनल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी दिनेश कुमार शर्मा विच स्टेट हैज लॉन्च डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दिल्ली विच कंपनी ड्रोन सर्टिफिकेशन दैट इज ऑप्शन डी हो गया एयर स्पेस द शास्त्रा रामानुजन अवॉर्ड टू तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी युग खिंग तैंग जस्टिस पंकज मिट्टल अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट ऑप्शन डी दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ओके सो तेली मनास इनिशिएटिव इज इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच हेल्थ सर्विसेज तो ऑप्शन ई होगा दोस्तों मेंटल हेल्थ विच स्टेट हैज अनाउंस है फर्स्ट कडुवीर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु ठीक है विच कंट्री हैज लॉन्च कॉफो वन सैटेलाइट टू अन द मिस्ट्रीज ऑफ सन तो ऑप्शन बी हो गया चाइना

ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इंडिया क्लियर चलिए सो हु बिकम द फर्स्ट अमेरिकन बोर्न वुमेन टू ट्रैवल इन स्पेस क्या नाम था उनका तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निकोल मन इन विच स्टेट वॉज द विशाल किशन सम्मेलन वर्कशॉप टू ऑर्गेनाइज बाई द नेशनल मिशन ऑफ फर्कलिंग कंगे एंड कोऑपरेटिव इंडिया की बात करें ऑप्शन ए हरियाणा हु हैज बिन मेड नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी इंडिया एज़ हैंडेड ओवर मेड इन इंडिया मोटर बाइक्स टू विच कंट्री हज ए बायोलेटरल ट्रेड की बात की गई है तो ऑप्शन य हो गया दोस्तों लेबनन विथ विच कंट्री इंडियन नेवी एज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया न्यूजीलैंड हर स्टार्ट इज अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाई विच यूनिवर्सिटी ऑप्शन डी हो गया गुजरात यूनिवर्सिटी हुज़ वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नोबल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन सी स्वान्ते पापू विच इंडियन अमेरिकन ऑनर्ड विदीवमेंट अवार्ड बाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी विवेक लाल सो वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इन टू इंडियन एयरफोर्स तो ऑप्शन बी प्रचंडा विच स्टेट हैज हैजन द आयुष्मान एक्सेलेंस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी बात करें तो ऑप्शन डी हो गया उत्तर प्रदेश विच ग्राम पंचायत ऑफ केरला हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया तो ऑप्शन बी हो गया पुलम पारा एज इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों तो ऑप्शन बी अनिल चौहान फॉर विच एरिया उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व अप्रूव किया था तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है बुंदेलखंड सो हु हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ऑप्शन सी समता क्रिस्टोफरिटी विच स्टेट हैज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड द ऑफ बुद्धिस्ट केव्स एंड टेम्पल्स ऑप्शन डी मध्य प्रदेश याद देख लीजिए ठीक अवार्डेड द क्वीन एलिजेट टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड तो ऑप्शन सी हो गए स्वेला ब्रेवरमेन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑफ कैनाडा तो इसका जो सही जॉब है दैट इज ऑप्शन है संजय कुमार वर्मा रिसेंटली द इंडियन प्लेयर झुलन गोस्वामी रिलेटेड टू विद स्पोर्ट हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है क्रिकेट वो विल बिकम द फर्स्ट फीमल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली की बात करें तो ऑप्शन ए जॉर्जिया मिलोनी वेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों सत्ताईस सेप्टेबर रिसेंटली वो हैज़ बिन गिवेन एज फिफ्टी सेकंड दादा साहेब के अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन भी हो गया आशा पारेक हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी दिलीप टिरके रिसेंटली वो हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर की बात की गई है तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजीव पहल टली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बिकम द ओनर ऑफ थाउजेंड करोड्स ऑप्शन सी काइवलिया वोहरा जल्द उद ऐप हैज़ बिन डेवलप बाई विच मिनिस्ट्री जल्दू दैप किसने डेवलप uh, किया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वन इज द इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे इज सेलिब्रटेड एवरी ईयर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड सेबर यूनिवेस्टी डिट प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनागरेट एच एल इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु रिसेंटली स्वच्छ टाइकोथन कॉम्पिटिशन आज स्टार्टेड बाई विच मिनिस्ट्री ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सो वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्राम विच डिस तो ऑप्शन है कैंसर वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन बी हो गया इक्कीस सेप्टेम्बर को विच कंट्रीटली डिस्कोर्ड ए रियल डूनर क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पॉल सोर्स नियर द मून तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए चाइना रिसेंटली हुआजन द टाइटल ऑफ साइफ वुमेन चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी बांग्लादेश रीसेंटली द फेमस पर्सन राजू श्रीवास्त्री एट ये कौन थे ये कॉमेडियन थे दोस्तों हुज बिकम द सेवेंटी सिक्स ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली तो ऑप्शन डी प्रणव आनंद एलविस अली हजारिका द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन टू क्रॉस नॉर्थ छानंद ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये आसाम से बिलोंग करती हैं ठीक है सो विच स्टेट हैज लॉन्च सी एम द हाई सी पोर्टल दोस्तों ये ऑप्शन सी मनीपुर विच फिल्म हैजिन अनाउंसड इंडिया ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑप्शन डी चलो शो सो आरआरआर को भी मिला है ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट कंपोजर और एलिफेंट विस्पर्स को भी मिला है द फॉर्मर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड स्पोर्ट हैज़ एट द एज ऑफ नाइन्टी थ्री दैट इज़ ऑप्शन ए टेनिस द प्लेयर रिलेटेड टू विद स्पोर्ट रॉजर फेडरर हैज़ अनाउंस इज रिटायरमेंट ऑप्शन बी टेनिस ऑन विच डेट नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों चौदह सेप्टेम्बर को विच मेल क्रिकेटर हैज़ बिन अवॉर्डेड दा आई प्लेयर ऑफ़ द मंथ फॉर द अगस्त 2022 uh, की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया सिकंदर राजा जिम्बाब्वे वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट सिक्सटींथ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया आर वेंकट सो रिसेंटली वो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम तो ऑप्शन है एच डी एफ सी विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ कैपिटल अगेन टू अस्थाना अस्थाना को वापस किसने चेंज कर दिया था ऑप्शन सी कज़ाकिस्तान विच कंट्री विल होज द क्रिकेट्स वोमेन एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश ओके सो इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राइलेटल फॉरन मिनिस्ट्री मीटिंग बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड यू ए हैज़ बीन हेल्ड तो ऑप्शन सी हो गया यू एस ए हुज़ बिकम द न्यू सी ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया ऑप्शन सी संजय खन्ना दोस्तों विच टेनिस प्लेयर हैज़ वोन द मैन सिंगल टाइटल एट द यू एस ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी हो गया कंट्री विल ओवर द दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इस साल कौन इसको हैंडल करने वाला है साउथ अफ्रीका विद स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ ए कैटल कंट्रोल बिल दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज इंदिरा गांधी सहाकारी योजना की बात करें तो ऑप्शन बी राजस्थान विच कंट्री क्रिकेट टीम हैज़ वोन द एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो श्रीलंका ने जीता एंड हुज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो ऑप्शन बी वालकर तुर्क वट इज़ अ रैंक ऑफ इंडिया इन द्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी रिलीज बायू एन डी पी रीसेंटली तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन ए वन थर्टी सेकेंड रिसेंटली इंडियन ऑरिजिन बैरिस्टर सुएला ब्रेवरविन हैज बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑप्शन बी ब्रिटेन के बने हैं ठीक है विच नेवरशिप हैज बिन वॉज डी कमीशन बाई इंडियन नेवी ऑन सेप्टेबर नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो कि तीस पर दो साल तक सर्व किया था ऑप्शन है आई एन एस अजय पी थर्टी फोर इन विच कंट्री लैब ए न्यू वुल्फ माया हैज बीन प्रिपेयर बाई क्लोनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऑप्शन डी चाइना इंडियन आर्मीजेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू विच एरिया ऑप्शन है सदरन कमांड द साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति विच रिस द राजा कृति पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज़ रिलीज विच इंस्टीट्यूट किसने रिलीज़ किया था ये तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सी एस आई आर एम हुज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फोर मेडल्स एट द वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया बजरंग पूनिया विच कंट्री हैज़ एमर्ज एज द लार्जेस्ट बाई लेंडर टू श्रीलंका दैट इज़ ऑप्शन इन इंडिया फॉर द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी सिटी हैज़ बिन नेम्ड एज एस सी ओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन सी हो गया वाराणसी इन विच नेशनल पार्क चीतास हैव बिन बॉट अंडर प्रोजेक्ट चीता तो ऑप्शन बी हो गया कोनो नेशनल पार्क व्हाट वाज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रीनेम्ड एज राजपथ ऑप्शन सी कर्तव्य पथ ठीक है लिज ट्रस हेज बिकम द थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सो फार तो ऑप्शन सी ब्रिटेन हो गया रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन जेवलिंग इन विच चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन है डायमंड लीग चैंपियनशिप ठीक है हैज़ बिकम द न्यू किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दोस्तों ऑप्शन है प्रिंस चार्ल्स टू इन विच सिटी ऑफ बांग्लादेश द माइथ्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन सी कुल्ला वेदांता पटेल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज हेड ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन की बात करें तो ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो ऑप्शन डी कल्याण चौबे आफ्टर विच इंडियन सिंगर ए रिसेंटली कैनेडियन सिटी ऑफ मरखाम हैज़ बिन रीनेम्ड सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी ए आर रहमान ग्रीन फिल्स हब ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल सस्टेनेबलटा टूरिज्म इज एसोसिएटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों यूनिप इंडिया का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया था कौन से स्टेट में ये आपको आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया हैज़ बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऑप्शन सी गौतम अदानी यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए न्यू सिक्स मिलियन डॉलर आर्म्स पैकेज फॉर विच कंट्री तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन भी यूक्रेन इंजीनियर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू बर्थ हुसरी दोस्तों ऑप्शन बी हो गया एम विस्पेशल है हाउ मेनी से अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी फोर हुज बिकम द न्यू सी ऑफ इंडियन ऑरिजिन मल्टी नेशनल कंपनी स्टार बक्स की बात करें तो ऑप्शन सी लक्ष्मण नरसिम्हान इमेज यूनियन ट्रेटरी इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया था ऑप्शन सी डेली एंड हुज़ बी अपॉइंटेड एस न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विसज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ऑप्शन डी वसुधा गुप्ता वेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन डे सेकंड सेप्टेम्बर सो वेन द इंडियन ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी द्विता राय हुज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट सिक्सटी सेवंथ फिल्मेयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी रणवीर सिंह सो कॉल डे ग्रैंड होम द प्लेयर ऑफ विच कंट्री हेज़ रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी ट्वेंटी नाइन अगस्त। रिसेंटली सिटी इंडिया का पहला रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल हैजिन अनाउंसड तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज न्यू एम डी एंड सी यू ऑफ आई डी एफ सी बैंक फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन डी महेंद्र शाह वो बिन वोटेड द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट दू एफ अवार्ड्स वर्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी करीम बेंजीमा एंड हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेजलर टू विन टू मेडल्स इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी विनेश फोगट आफ्टर होम इज द किबिथू मिलिट्री कैंप नेम्ड दोस्तों ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड स्कूल ब्रेकफास्ट प्रोग्राम तो ऑप्शन है तमिलनाडु विच प्लान डिसअपेट फ्राम साइड डूरिंग द लूनार एक्लिप्स ऑफ सेप्टेम्बर फोरटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी यूरनस इंडिया हेज डिस इन्वाइट विच कंट्री हेज ए गेस्ट ड्यूरिंग जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया बांग्लादेश ठीक है इन विच एयर इंडिया जी ट्वेंटी कब होस्ट करने वाला है जी ट्वेंटी सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन विच स्टेट इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम हैज इनॉग्रेटेड रिसेंटली ऑप्शन ए बिहार हो गया ठीक है चलिए सो विच इंडियन सिटी है वरंगल त्रिशूर और नीलमपुर ओके विच स्टेट विल होज द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो ऑप्शन है उड़ीसा हाउ मेनी स्टेट्स विद कांग्रेस पार्टी रन द भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी वन टूल्व इन विच स्टेट इंडिया का पहला बैो विलेज हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड तो ऑप्शन सी हो गया त्रिपुरा इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी विल बी ओपन इन विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात करें तो ऑप्शन बी लद्दाख हु हैज बिन इलेक्टेड एज फिफ्टी सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ऑप्शन भी ऋषि सोनक इन विच कंट्री इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज़ बिन अवार्डेड द ऑनरल रैंक ऑफ आर्मी जनरल की बात करें तो ऑप्शन डी नेपाल हो गया विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडिया फर्स्ट नेशनल वैक्सीन रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन विच गॉट डी सी जी आई अप्रूवल ऑप्शन बी भारत बायोटेक इन विस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विल थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज तो ऑप्शन है गुजरात इन विस्ट स्टेट ऑफ इंडिया न्यू स्पीसीज ऑफ क्रैब नेम्ड घटियाना द्विवर्ना हैज़ बिन डिस्कवर्ड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कर्नाटका विच कंट्री हेज़ बिकम द फिफ्थ लार्जस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड ओवर टेकिंग द यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन भी इंडिया हो गया विच इंडियन कंपनी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट इन गुजरात की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनविल्ड ए न्यू फ्लैग मार्क फॉर विच आर्म फोर्सेज तो ऑप्शन भी हो गया इंडियन नेवी विच स्टेट हैज़ लॉन्च रूरल ब्लैक एड पिगरी योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मेघालय

तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी लिंथॉइ चनाम वन इन्वेस्टेड एस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनाग्रेटेड इंडिया का पहला अर्थ मेमोरियल की बात करें तो ऑप्शन बी गुजरात वो हैज बिन सोनीस फोर्टी नाइन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों ऑप्शन डी उदय उदय उमेश ललित बट अभी फिफ्टी भी आ चुके हैं डी वाई चंद्रच्यूथ है इनका आंसर हु हैज़ वन द मेन्स एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विक्टर एक्सलसर एंड अगानी यामागुची वेन इज द वोमेंस इक्वालिटी डे सेबरेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया ट्वेंटी इज बिन अवॉर्डेड दूनस्को पीस प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो किसको अवार्ड दिया गया इस बार ऑप्शन बी एंजेला मेरिकल को रिसेंटली हाउ मेनी टीचर्स हैव बिन सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर अवॉर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें फोर्टी सिक्स ऑन दिन बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज ऑप्शन सी अरुण जेटली विद विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज साइंड ए कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर टू रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें ऑप्शन ए बांग्लादेश विथ सीनियर लीडर हैज रिसेंटली फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑप्शन डी गुलाम नबी आजाद ओके सो वेयर वॉज द एट्थ इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई थी ये आपको ब्राजीलिया में हुई थी दोस्तों हु हैज बैक द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑफिशियल नेशनल टीम स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन भी होगा फेयर प्ले न्यूज हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंटीरियम कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ द एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी वी वी एस लक्ष्मण हु हैज बिन अवॉर्डेड द लिबर्टी मेडल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ए व्लाडमर ज़ेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इनागरेटेड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट ऑप्शन ए पंजाब अंडर विच कैटेगरी बांग्लादेश ऑरिजिन फाहमिदा अजीम हैज वन द पुलिटर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉमेंट्री जेम्स वेब्स टेलीस्कोप हैज रिसेंटली कैप्चर न्यू पिक्चर्स ऑफ विच प्लैट तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर जुपिटर विच कंट्री हैज बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी पोर्चुगल स्टेट इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप मॉनिटरिंग स्पेस एक्टिविटी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी उत्तराखंड विच फोक डांस हैज बी नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनिस्को इनटैंजेबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है गरबा इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एस सी ओ विल भी हेल्ड दोस्तों तो ऑप्शन सी हो गया उजगेबिस्तान इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बिन अनवील्ड इन विच सिटी तो ऑप्शन डी पुणे हो गया चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम किसके नाम पे आ, रखा गया है तो ऑप्शन सी शहीद इंडिया का पहला इंडिजिनियस डेवलप आरटीपीसी फॉर मंकी पॉक्स डिसीज है बाय विच कंपनी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो गया ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट करियर की बात करें ऑप्शन है एनएस विक्रांत हाउ मेनी मेडल्स एज अ इंडिया रेजलिंग टीम वोन इन अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी है सिक्सटीन इन विच कंट्री वॉज अ बाइन वॉरफेयर एक्सरसाइज पिच ब्लैक हुआ था दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सैयद सिप्ती राजी डाइड ऑन बीस अगस्त को ट्वेंटी अगस्त ही सर्व एज ए गवर्नर ऑफ विच स्टेट

इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री एक्शन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हज अनवील्ड द स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी तो ये पैराग्वे है एंड इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट डबल डेकर ए सी इलेक्ट्रिक बस को अनवील्ड किया गया है ऑप्शन सी मुंबई विच लीडर हैज नॉट बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी दोस्तों ऑप्शन सी है नितिन गडकरी ठीक सो इन विच सिटी इंडिया का फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया हैज बिन डेवलप्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी हैदराबाद इन विच स्टेट विल द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजन बिल्ड स्टील स्लैग रोड की बात करें तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश विच कंट्री हैज साइंड सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर और बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन विच सिटी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेज लॉन्च द फर्स्ट ब्रांच फॉर द स्टार्टअप्स ओके तो ऑप्शन सी बेंगलुरु मंथन मंथ हैज़ बिन स्टार्टड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वॉट परपज तो इसका जो सही जॉब है ऑप्शन है कोऑपरेशन आर एंड डी सदभावना दिवस इज सेलिब्रेट ऑन ट्वेंटी अगस्त एज अ बर्थ एनिवर्सरी विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ऑप्शन सी राजीव गांधी दोस्तों विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ लॉन्च डी जी यात्रा प्रोग्रामीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों चलिए इंडिया हैज गिफ्टेड द डॉनियर मेरी टाइम रिकनाइज एयरक्राफ्ट विच नेबरिंग कंट्री ये श्रीलंका को हमने दिया है हु हैज लॉन्च इंडिया का पहला फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ऑप्शन भी रतन टाटा विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल स्माल सेवेंटी फाइव इनिशिएटिव दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पॉर्मेंट स्कूल क्लीननेस एजुकेशन प्रोग्राम इज इनिशिएटिव लॉन्च इन विच स्टेट तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन भी उत्तराखंड विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द ओमिक्रॉन वैक्सीन ओमिक्रॉन वैक्सीन तो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम सो विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्रॉम अर्थ इंडियन नेशनल बैग इज हाइस्ट थर्टी किलोमीटर अबव की बात करें तो उसका सही जॉब है ऑप्शन है स्पेस किट्स इंडिया ठीक द अगस्त तमलाई रीजन ऑफ विच कंट्री हैज़ बिन डिजिग्नेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व ऑफ द स्टेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया तमिलनाडु ठीक है सो हुज़ बिकम हुज़ बीन गिवन द हाइस्ट सिविलियन ऑनर फॉर द फ्रांस सिविलियर डी ला रीजियन दिनर रिसेंटली तो ये शशि थरूर जी को मिला है बायोलिट्रल एक्सरसाइज उधर शक्ति इज बिंग ऑर्गनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी मलेशिया वेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड दोस्तों तो ऑप्शन है बारह अगस्त को विच टू कंट्रीज है फ्रॉम कोऑपरेशन ग्रुप फॉर्म फॉर्म बिटवीन चाइना सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो कौन से कंट्रीज ड्राप हो चुके हैं उसमें से ऑप्शन डी लैटविया एंड इस्टोनिया विच ऑफ द फॉलिंग अप्रूव एज द बूस्टर डोज टू इंडिया फॉर पीपल अबोव एटीन ईयरस ऑफ एज की बात करें तो ऑप्शन बी कॉर्बीवैक्स रिसेंटली वो हैज बिन ऑनर्ड विद द हाइस्ट सिविलियन ऑनर एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख की बात करें तो ऑप्शन सी दलाई लामा ओके सो वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट दोस्तों ऑप्शन डी बारह अगस्त ओके सो वेन इज वर्ल्ड लाइन डे सेलिब्रेटेड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी टेंथ अगस्त को ओके सो रिसेंटली इन रिस स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड टू जी इथेनलॉल प्लान टू द नेशन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा हो गया सो वेन इज वर्ल्ड बायोफील्ड डे सेलिब्रेटेड तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दस अगस्त ओके याद रख लीजिए इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनागरेटेड इन विथ सिटी तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों कोलकाता एंड वेन विल द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन गुजरात तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया अक्टूबर 2022 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन रीनेम्ड एज करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हाउ मेनी मेडल्स हज इंडिया वोन कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन बर्मिंग हैम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया सिक्सटी वन वे डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली नॉगरेट एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल की बात करें तो ऑप्शन सी फरीदाबाद हरियाणा परवेज मार्केट लिंकेज स्कीम हैज बिन लॉन्च बाई विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये जम्मू कश्मीर डॉक्टर एन कलाई सेल्वी हैज बिकम द फर्स्ट हुएमन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ सॉरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेस ये नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट हैज बिन अपॉइंटेड डिलॉयट इंडिया एज इट्स एडवाइजर की बात करें तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज अ इंडियन कंटीजेंट वोन इन द कामवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है ट्वेंटी टू हुजिन इलेक्टेड एज फोर्टीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन जगदीप सो वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर सबिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड ऑप्शन सी बैंगलोर कर्नाटका बिटवीन विच टू सिटीज इन इंडिया आकाशा एयर फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बिन इनागरेटेड तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों मुंबई टू अहमदाबाद ओके सो अंडर द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस बड़े चलो कैंपेन हैज़ बिन स्टार्टेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कम्युनिटी एक्साइज युद्ध अभ्यास हेज़ बिन ऑर्गनाइज विथ इंडिया एंड विच कंट्री की बात करें तो ऑप्शन सी यू एस ए विच एस्ट्रॉनोमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया हैज बीन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनिस्को की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ठीक सो विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैजन द गोल्ड मेडल इन वुमेंस फिफ्टी के जी बॉक्सिंग कैटेगरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन निखथ जरीन इन विच सिटी ऑफ इंडिया इंडिया फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर द डिसीज़ कंट्रोल हैज़ बिन अनाउंस रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन है भोपाल

सो हु हज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन ये होगा देवशिश मोहंटी एंड विच कंट्री हैज अगेन ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन डी साउथ कोरिया दोस्तों सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम फंक्शनलिटी लिटरेट फंक्शनलिटी लिटरेट की बात करें तो ऑप्शन बी मांडला मध्य प्रदेश सैद सिपति राजी वॉज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ़ विच टू स्टेट्स हेज़ पासडे एट द एज ऑफ एटी थ्री तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी झारखंड एंड आसम वो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले यू एफ चैम्पियंस लीग की बात करें ऑप्शन बी मनीषा कल्याण विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंटेड लॉ फॉर फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑप्शन बी स्कॉटलैंड ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी नाइनटीन अगस्त दोस्तों सो वेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी नाइनटीन अगस्त रिसेंटली विच कंट्री प्लेयर केविन ओ ब्रैन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड ऑन विच डेट वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन सी ऑन थर्टींथ अगस्त हु हैज बीन एडज बाई ए आई डब्ल एफ फॉर द मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सीजन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी सुनील छेत्री विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट सर्विस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन तो ऑप्शन डी हो गया जर्मनी इसरो सक्सेसफुली थ्री सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री इनटू स्पेस ऑर्बिट विथ पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री की बात करें ऑप्शन भी सिंगापुर रिसेंटलीड एज फोर्टी नाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जस्टिस यू ललित है अभी तो फिफ्टी आ गए हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूत विच मेल क्रिकेटर हेज रिसेंटली रिसीव द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द ईयर सॉरी फॉर द जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है प्रबथ श्रीलंका विच ब्यूटीज़ रिसेंटली वोन द टाइटल यू एस ए टू थाउजेंड टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया आर्या बलवेकर विच एनिवर्सरी ऑफ कुट इंडिया मोमेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन एट्थ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी एटी विच चेस प्लेयर बिकम सेवेंटी फिफ्थ ग्रेंड मास्टर ऑफ इंडिया तो ऑप्शन डी प्रणव हुम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेला नलतंबी कलाइसल्वी सो वेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया दोस्तों तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी ऑन अगस्त रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अगस्ट डिसाइडेड टू डेवलप सांस्कृतिक ग्राम इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्स ऑप्शन है उत्तराखंड सो द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी अनाउंस टू बिल्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन विद स्टेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ज बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया श्वेता सिंह इट हैज बिन अनाउंस टू क्रिएट सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट बंगाल नो वाट विल बी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट तो ऑप्शन बी हो गया दर्ट इज थर्टी सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट सेमी कंडक्टर पॉलिसी ऑप्शन बी दोस्तों गुजरात ओके वसीफा नजरीन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ विच कंट्री टू कॉन कर के टू तो सही आंसर इसका है इसका ऑप्शन है बांग्लादेश हु हैज़ बिकम द हाइस्ट पेड एफ एम सी जी सी ओ रिसेंटली तो ऑप्शन बी सौगत गुप्ता फॉर हाउ मनी मंथ्स बांग्लादेश फास्ट बॉलर शोहीदुल इस्लाम हैज़ बीन बैंड बाई आई सी सी फॉर कमिटिंग डोपिंग वायलेशन ऑप्शन बी टेन मंथ्स हु इज कंसिडर द फादर ऑफ इंटरनेट रेवल्यूशन इंडिया हु इज पासड अवे रिसेंटली ऑप्शन है ब्रजेंद्र कुमार सिंगले नीरज छोपड़ा पार्टिसिपेट इन द जैवलिन थ्रो इवेंट इन वर्ल्ड एथलेट्स विच मेडल डिड ही विन ये सिल्वर मेडल है एंड इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की बात करें तो ये जापान हो गया हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रीसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी इंदरमित गिल हुज़ बिन गिवन द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर द फिल्म इन एट सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्डस रीसेंटली की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हु हैज रीसेंटली वन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टोर डे फ्रांस टाइटल की बात करें तो ऑप्शन सी जोनास विग्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस विद हिल्स ए ग्लोबल टू सेट सेटअप इज फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट इन विच कंट्री तो ऑप्शन सी मलेशिया दोस्तों विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिस डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन की बात करें ऑप्शन बी तमिलनाडु कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ये छब्बीस जुलाई हो गया रिसेंटली हैज़ रीसेंटली बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू गेट हर घर जल स्कीम सर्टिफाइड तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों बुरहानपुर मध्य प्रदेश हु हैज़ बिन अपॉइंटेड न्यू सी ई ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडोफोन इंडिया रविंद्र ठाकर जी इनका नाम है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिप्लेसिंग रनिल विक्रमा सिंघे तो अभी कौन बने नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ के दिनेश गुणवर्धनी हुज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स विथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सो वेन इज अ ने नैशनल फ्लैग डे सेलिटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया ऑप्शन सी ट्वेंटी सेकंड जुलाई एंड हुज रिशीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर दिक्सटी एथ ने फिल्म अवार्ड टू थाउजेंडू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी अपर्ण बाला मुरली नेक्स्ट हुज बिकम द फिफ्टी एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू जी वॉट इज़ अ रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द रिसेंट रिलीज हेली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी एटी सेवन दोस्तों इन्वेस्टेड इंडिया का पहला डिजिटल लोक अदालत को लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी राजस्थान इज बाई कंट्री की बात करें तो ऑप्शन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है आशीष कुमार चौहान के विद सिक्योरिटी फोर्स एज रिस रिकॉर्ड नार्कोटिक प्रोडक्ट फोर्स पॉइंट फोर जीरो नार्कोस की बात करें तो ऑप्शन बी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है सो विच स्टेट टॉप्स द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू इंप्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू रेशन शॉप्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ओडिशा थर्टीन एटोलाइ साइन एन असियन प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन एंड विच कंट्री ऑप्शन सी फिनलैंड जूनियर फेडिनेार्कोस वसोन एज सेवनटीथ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री ऑप्शन डी फिलीपींस विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ सिंगापुर ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन सी पी वी सिंधु सो वेन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी सेवनटीन जुलाई हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया दोस्तों ऑप्शन बी मुस्तफ़िजुर रहमान अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ टू इंडेक्स ट्वेंटी कंट्री कैपिटल एडिनबर्ग इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड विच कंट्री सेलिब्रेट फोर्टी जुलाई एवरी ईयर एज अ नेशनल डे विच इज नोन एज बेस्ट डे ऑप्शन डी फ्रांस Which institute was has made a tool named Pivot to detect genes responsible for cancer? Option A. E, IIT Madras. What is the rank of India in the recently released Global Gender Gap Report for the year 2022? Option B. 135th. Which has become the first state to implement the center's new education policy in the primary education? So option C. Yogi, Uttarakhand. And according to the World Health Organization, in which country two suspected cases of Marburg virus disease were reported? So option A. E, Ghana. Which country recently conducted a highly sensitive experiment named Lux Zeppelin to detect dark matter in the universe? Option B, America. Invisited at Union Mines Minister Plaj Joshi inaugurated 6th National Conference on Mines and Minerals. Ki to option C, Delhi. Reserve Bank of India has approved Meena Hemachandra as a part time chairman of which bank? Option B, Hogadostu, Karur Vesa Bank. So, which male player has received the ICC Player of the Month award? फॉर द जून 2022 की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है जॉनी बेरस्टो विच इंडियन हैज हैजन द टाइटल डिवाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी 2022 तो ऑप्शन सी पल्लवी सिंह विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली मिन सिंगल टाइटल एट विम्बलडन टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो ऑप्शन सी नोवाक जिकोवियाक ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सो ऑप्शन है एलेवेंथ जुलाई विच लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अ न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ द यूएन मिशन इन साउथ सुडान तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मोहन सुब्रमण्यम वो हैज रिसेंटली वोन द टाइटल मिस इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी रिसेंटली रिसेंटलीर लबिट हैज बिकम द फोर्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो ऑप्शन बी होगा इसराइल विच फिजू बिजनेस मैन हैज रिसटली बीन सेंटेंसड फोर मंथ्स इन जेल बाई सुप्रीम कोर्ट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन कंटेम्ड केस रिलेटेड टू हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कोर्ट तो सही आंसर है इसका ऑप्शन भी विजय माल्या नेपाल हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन भी हो गया इंडिया एंड रीसेंटली विच पर्सन ऑफ इंडिया ऑर्जिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑप्शन है टी राजा कुमार विच मेडल हैज़ बिन ओन बाई दा अर्जुन बबूता ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप स्टेज की बात करें ऑप्शन है गोल्ड मेडल वो हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ द गेल रिसेंटली तो सही आंसर है इसका ऑप्शन से संदीप गुप्ता

करेक्ट आंसर है दट इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दोस्तों ऑप्शन सी हो गया संजय पुरी एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें ऑप्शन डी नितिन गुप्ता है सो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू टेक विकेट इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हाउ मनी करोड़ रुपीज हेज़ बीन इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ओला फाइनेंशियल सर्विस ऑप्शन बी वन पॉइंट सिक्स सेवन करोड ओके द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्रीजरे टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे विद सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइस थीमम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए जापान रिसेंटली पपराजा नायडू हिमालयन जुआलॉजिकल पार्क हैज लॉन्च एन प्रोग्राम

तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी डेली वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन डी ट्वेल्थ जुलाई सो इन विच कंट्री वॉज अ वर्ल्ड पीस फोरम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज दोस्तों ऑप्शन बी चाइना इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा एस बिकम फर्स्ट नेशन प्लेयर टू हिट हाउ मेनी फोर्स इन मेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट तो ऑप्शन होगा थ्री हंड्रेड इंडिया प्रोवाइडेड मोर देन फोर्टी फोर थाउजेंड टन्स ऑफ इरिया अंडर द लोन फैसिलिटी टू विच कंट्री विच इज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो ऑप्शन डी श्रीलंका दोस्तों विच फार्मर सी ईफ थिंग टैग नीति आयोग हेज़ अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियाज न्यू शर्पा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर जी ट्वेंटी तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है अमिताभ कान्त विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव थर्टीन एक्सप्रेस वे ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश विच फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जपान डाइड आफ्टर बींग शॉर्ट वेल डेलीवरिंग स्पीच एट सिटी ऑफ नारा शिंजो अबे द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज रिड्यूस द गैप ऑफ बूस्टर डोज फ्राम नाइन मंथ्स टू हाउ मनी मंथ्स फॉर द पील अबो एटीन ईयर्स ऑफ एज की बात करें तो ऑप्शन डी सिक्स मंथ्स from which ministerial post the uh, Mokhtar Abbas Naqvi resigned option A, Union Ministry for Minority Affairs which country has signed agreement for supply of technology for Kundakulam nuclear power plant in Tamil Nadu option C Russia in which country the government has declared a state of emergency in five northern region around the poor River Okay. so in the view of severe drought in the country uh, the correct answer is co option B Italy in which state scientific Kaya Chutney has been submitted for जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन है उड़ीसा रिसेंटली द पीपल ऑफ स्टेट हैव विट फेस्टिवल तो ऑप्शन सी गोवा हो गया द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन फ्लैगड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सफदरजंग रेलवे स्टेशन विच स्टेट गवर्मेंट हज अनाउंस द फर्स्ट एमपोड़ा टू एस एम कृष्ण एस एर नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पाडुकुन की बात करें तो ऑप्शन डी कर्नाटका विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉय फॉर पेंशनर्स तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी केरलाज बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी टू असिस्ट द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी रंजीत बजाज

तो ऑप्शन डी हो गया तेलंगाना इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन डे फर्स्ट सार्टेडे ऑफ जुलाई विच मेडल हैज़ बीन ओन बाय द नीरज चोपड़ा वेल परफॉर्मिंग यू नो ब्रिलियंटली इन डायमंड लीग रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोल्ड मेडल इन इनवर्स सिटी द मिनिस्टर ऑफ डायरिंग एंड एनिमल हजबेंड्री हैज़ लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम ऑन ट्वेंटी एट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बेंगलुरु वट हैज़ बिन रीनेम्ड हैज़ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र तो ऑप्शन बी शंबाजी नगर अकॉर्डिंग टू क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ टू थाउजेंट ट्वेंटी थ्री विच इज हाइस रैंक सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ऑप्शन डी मुंबई विच मेडल हैज़ बिन ओन बाय द दीपक पुनिया एंड अंडर ट्वेंटी थ्री एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिशक किर्गिस्तान तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल विच कंट्री अनाउंस टू ट्रांसफर इसकर एम मिजाइल सिस्टम टू बेलारूस तो ऑप्शन है रशिया फ्रॉम विच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो ऑप्शन बी जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रीसेंटलीज बिकम द फर्स्ट मेन प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ऑप्शन है डीसा स्थलेकर विच कंट्री हैज़ लॉन्च सॉलिड फील्ड रॉकेट जुलजियाना इंटू स्पेस की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों ईरान विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वहीकल मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट uh, की बात करें तो ऑप्शन डी केरला वाट इज रैंक ऑफ इंडिया द रीट रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन है वन फिफ्टी एथ वाट इज अ पोजिशन ऑफ इंडिया फुटबॉल टीमेंट रिलीज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग ऑप्शन बी वन नॉट फोर हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ़ द नेशनल इन्वेस्टिगेश एजेंसी की बात करें तो किसको अपॉइंट किया गया है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता बेस्ट स्टेट एज रीसेंटली अप्रूव थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश वो हैज़ बिन ऑनर्ड विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन रिसेंटली तो ऑप्शन है विजय अमृतराज वो हैज बिकम द ट्वेंटी सेवन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ऑप्शन है अमजद एहतशाम सैयद मुख्यमंत्री बल गोपाल योजना इज़ रिलेटेड टू स्टेट तो ऑप्शन है राजस्थान हैज बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एम एस एम ई अड्ड ऑप्शन बी उड़ीसा पासपोर्ट सेवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन बी ट्वेंटी जून इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलेब्रेटेड ऑन विच डे की बात करें तो ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड जून अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स टू थाउजें ट्वेंटी टू ऑफ द इनानिक्स इंटेलिजेंस यूनिट विच इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू लिव इन तो ऑप्शन ए होगा वियना

तो अगर आप प्रॉक्सी विज्ञान की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वन लाइनर्स पर रहेगा जो लेटेस्ट वन लाइनर्स है वो उसको हम कवर करेंगे तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ थैंक यू सो मच